हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ RTMNU नागपुर पेट एग्जाम का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ। एंड इन टुडे सेशन हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर इस टॉपिक के बारे में डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता क्या है, हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते क्यों हैं। एंड इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा 3 to 4 MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में पेट एग्जाम में ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स जितने भी सारे कॉन्सेप्ट से उनको कवर किया है। दैट्स वाई ये सेशन आपको एंड तक देखना है ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, RTMNU पेट 2023 एग्जाम ये 6th and 7th October को है। दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम टाइम बचा है। एंड इन दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप RTMNU पेट एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सके विथ गुड मार्क्स। ओके, सो आप सभी के प्रिपरेशन के लिए हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। RTMNU पेट एग्जाम में आपको 50% जो MCQs है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं, एंड 50% MCQs आपको कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। एंड आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। सो टू क्वालिफाई दिस एग्जाम विद गुड मार्क्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज आपको मिलेंगे। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs। दैट्स वे ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन देख सकते हैं कि कहाँ तक हुआ है बिफोर योर एग्जाम। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ पेट एग्जाम। और यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं, इन सारे टॉपिक्स को हमने क्रैश कोर्स में कवर किया है, बिकॉज इनके ऊपर आपको पेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी हेल्प आपको मिलती है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699, एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। पिछले साल जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स को रेफर किया था, उन सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू यही है कि उनको आउट ऑफ 50 MCQs इन पेट एग्जाम, उनको मोर देन 40 MCQs हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू ही मिले थे। ओके, सो दिस इज रियली रियली गुड फॉर यू एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आप आज ही क्रैश कोर्स के लिए इंक्वायरी कीजिए एंड क्रैश कोर्स को परचेस कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर पेट एग्जाम एंड क्वालिफाई द पेट एग्जाम। लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन। नाउ द क्वेश्चन 1 इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स। नाउ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर एग्जैक्टली कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करता है? अडॉप्ट का मतलब होता है कि कौन सी प्रोसीजर को फॉलो करता है। सो वेदर इट इज एक्सप्लिसिट प्रोसीजर्स या फिर इम्प्लिसिट प्रोसीजर्स या फिर पर्सनल चॉइस प्रोसीजर्स या फिर पीयर सजेस्टेड प्रोसीजर्स। सो स्टूडेंट्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि जो पहले ऑथर्स ने काम किया है ऑन द टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग अभी स्टडी करना चाहते हो, ओके, उनको रिव्यू करना। ओके, एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर का टाइप है। ओके, सो सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर एज द नेम सजेस्ट्स, ओके, बेसिकली आपको बताता है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम द लिटरेचर, एज वेल यह आपको बताता है कि हाउ एंड वेयर इंफॉर्मेशन इज सर्च्ड, मतलब आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है एंड आपने इंफॉर्मेशन कैसे सर्च की है, एज वेल आपने कौन से टूल्स को इस्तेमाल किया है, आपने कौन से टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया है, ये भी आपको सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताता है। एंड दैट्स व्हाई इसमें काफ़ी सारे सिस्टमैटिक एंड एक्सप्लिसिट प्रोसीजर्स होते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि स्पष्ट,
मतलब काफी सारे स्पष्ट प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, ओके, एंड दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर अडॉप्ट्स एक्सप्लिसिट प्रोसीजर्स, यानी कि स्पष्ट प्रोसीजर्स, ओके. फेज ऑफ इवैल्यूएशन विच एस्टैब्लिशेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स इज कॉल्ड. सो ओके, सो फ्रॉम दिस ऑप्शंस इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डेफिनेशन ये है कि वो एक इवैल्यूएशन का फेज है जो बेसिकली सोर्स की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है, ओके. सो वेदर इट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म, वेदर इट इज क्रिटिकल क्रिटिसिज्म, वेदर इट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, वेदर इट इज डिडक्टिव क्रिटिसिज्म, ओके. सो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज द फेज ऑफ इवैल्यूएशन विच एस्टैब्लिशेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स, ओके. सो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये एक इवैल्यूएशन की फेज है जो बेसिकली सोर्स की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश करता है, यानी कि सोर्स की ऑथेंटिसिटी को ये प्रूफ करता है, ओके. दिस प्रूव्स इट. सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ओके. सो बेसिकली एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एग्जामिन करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को. सो बेसिकली सोर्सेस के यू नो जितने भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को यू नो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में एग्जामिन किया जाता है ताकि हम उनके ऑथेंटिसिटी को एंड क्रेडिबिलिटी को इस्टैब्लिश कर सके, उनको टेस्ट कर सके. एज वेल इसमें हम लोग एनालाइज करते हैं कि सोर्सेस का ओरिजिन क्या है, एज वेल वी एनालाइज इट्स ऑथरशिप, देन पब्लिकेशन एंड देयर कॉन्टेक्स्ट एज वेल, ओके. एज वेल इट असेस रेप्यूटेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ ऑथर, देन पब्लिकेशन डिटेल्स, पोटेंशियल बायसेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन. सो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम लोग ये भी देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑथर का रेपुटेशन क्या है, वेदर ऑथर इज एक्सपर्टाइज और नॉट, एज वेल जितने भी सारे उसके पब्लिकेशन के डिटेल्स होते हैं वो भी हम लोग इसमें चेक करते हैं, एज वेल अगर कोई पोटेंशियल बायसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं दैट ऑल्सो वी चेक इट, एज वेल इंफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी हम लोग चेक करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कितना स्टेबल है वो भी हम लोग इसमें चेक करते हैं. That's why here the correct answer is 3. Okay, because अगर आपको sources की authenticity को establish करना है, then it is called as external criticism. Because sources ये हमेशा हमारे लिए external factors होते हैं. External factors यानी कि बाहर के factors. Okay, मतलब बाहर के sources को इस्तेमाल करके हम लोग हमारा research करते हैं. So these are called as external factors and sources ये हमेशा external factors ही रहते हैं. Okay. Now let us see what is deductive criticism. What does it mean? So deductive criticism में हम सभी लोग logical reasoning and general principles का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी argument को या फिर claim को you know चेक कर सके, वेदर अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लेम या फिर आर्ग्यूमेंट कितना वैलिड है एंड उसका कोहेरेंस कितना है, वेदर इट इज ऑथेंटिकेट और नॉट, अगर आपको ये चेक करना है देन उसके लिए आप लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज डिडक्टिव क्रिटिसिज्म, ओके. नाउ व्हाट इज इंटरनल क्रिटिसिज्म. So, अगर आपको किसी भी रिसर्च प्रोसेस की इंटरनल कंसिस्टेंसी, उसका लॉजिकल कोहेरेंस एंड एविडेंस अगर आपको चेक करना है देन उसके लिए आप इंटरनल क्रिटिसिज्म करोगे. एंड यहाँ पे आप विद इन अ स्पेसिफिक सोर्स या फिर आर्ग्यूमेंट को चेक करते हो, यानी कि विद इन अ स्पेसिफिक सोर्स और आर्ग्यूमेंट जितने भी सारे यू नो इंटरनल कंसिस्टेंसीज होते हैं, लॉजिकल कोहेरेंसेज होते हैं एंड एविडेंस होते हैं वो आप इसमें चेक करते हो एंड उनके बेसिकली आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को यहाँ पे चेक करते हो, ओके, विद इन द इंटरनल क्रिटिसिज्म. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाई ओवर हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. Because phase of evaluation which establishes the authenticity of the source is called as what? External criticism. Okay, so don't confuse within these criticism types. So here your correct answer is 3.
RTMNU पेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर टू का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। पेपर टू यानी कि वो कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर, ओके। इसकी मदद से आप पेपर टू में काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं एंड आप आसानी से पेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं विथ वेरी गुड मार्क्स। इसमें आपको फुल सिलेबस, नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs का PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से पेपर टू में आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एंड उसमें आप काफ़ी अच्छे स्कोर्स लाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर टू का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, देन आप मुझे कमेंट करके पूछिए, ओके। पेपर टू स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स की गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। टू ज्वाइन आर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर टू स्टडी मटेरियल ये आप सभी को ना कि सिर्फ पेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मदद करेगा, बट ये आपको इंटरव्यू सेशन को क्वालिफाई करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको पेपर टू के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं। समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर इज कॉल्ड। सो इनमें से कौन सा रिव्यू ऐसा है जिसमें आप प्राइमरी स्टडीज को समराइज करते हो एंड उनको इंटरप्रेट करते हो। सो बेसिकली ये जो सारे प्राइमरी स्टडीज होते हैं, दीज आर रिलेवेंट टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च क्वेश्चन एंड एज वेल दीज आर रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव मैनर। सो वेदर दे आर कॉल्ड एज क्वालिटेटिव रिव्यू या फिर रियलिस्टिक रिव्यू या फिर नरेटिव रिव्यू या फिर मेटा रिव्यू। सो स्टूडेंट्स, the correct answer for this is narrative review, because narrative review में हम सभी लोग primary studies को summarize करते हैं and उसको interpret करते हैं। so basically ये जो सारे primary studies होते हैं वो research question के साथ relevant होते हैं and as well जो objective होता है हमारा research question के लिए, ओके, उसके साथ भी रिलेवेंट होते हैं। सो बेसिकली ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बेसिकली क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ओके। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, नरेटिव रिव्यू इज नथिंग बट द रिसर्च क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो जिस एरिया में हमारा इंटरेस्ट होता है, सो उस एरिया के आधार पर जो भी हम लोग रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट नरेटिव रिव्यू। एंड दैट्स वाई नरेटिव रिव्यू हम सभी को हेल्प करता है ताकि हम क्रिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सके ऑन द करंट नॉलेज फॉर स्टडी, ओके। दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर इज 3। नाउ लेट अस सी व्हाट इज रियलिस्टिक रिव्यू, व्हाट डज इट मीन। सो बेसिकली रियलिस्टिक रिव्यू हम सभी को हेल्प करता है ताकि हम यू नो स्टडी का जो रिजल्ट है उसको अंडरस्टैंड करें। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी स्टडी पहले से ही कंडक्ट हो चुका है, देन उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम क्वालिटेटिव रिव्यू में अंडरस्टैंड कर उसको हम रियलिस्टिक रिव्यू में अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। एंड बेसिकली इट एक्सप्लेन आउटकम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन प्रोग्राम, ओके। सो कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन प्रोग्राम के जो आउटकम्स होते हैं वो रियलिस्टिक रिव्यू में एक्सप्लेन किए जाते हैं। एंड दैट्स वाई देखो, जो स्टडी पहले से ही कंडक्ट हो चुका है उसको उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम रियलिस्टिक रिव्यू से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेटा रिव्यू। सो यहाँ पे जो रिव्यूअर होता है, सो बेसिकली रिव्यूअर हैज एक्सेस टू रिव्यूज एंड को रिव्यूअर्स। सो फॉर एग्जाम्पल मेटा रिव्यू, सो मेटा रिव्यू में एक रिव्यूअर होता है। सो ये रिव्यूअर बाकी के को रिव्यूअर्स को ऑब्जर्व करता है एंड एज वेल रिव्यूज को भी ऑब्जर्व करता है ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को हम लोग चेक कर सके। सो दिस इज कॉल्ड एज मेटा रिव्यू। एंड वॉट इज नाउ क्वालिटेटिव रिव्यू। सो फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वालिटेटिव स्टडीज आर एग्रीगेटेड, इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्रिटेटेड। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फाइंडिंग्स होते हैं उनको क्वालिटेटिव रिव्यू में इकट्ठा किया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है एंड एज वेल उनको इंटरप्रिट किया जाता है। इंटरप्रिट का मतलब होता है कि उनका कंक्लूजन निकाला जाता है, ओके, फाइन। एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज नरेटिव रिव्यू।
बिकॉज प्राइमरी स्टडीज को समराइज करना एंड उनको इंटरप्रिट करना एंड बेसिकली ये सारे प्राइमरी स्टडीज अगर रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट होते हैं देन इन दैट सिचुएशन उसे नरेटिव रिव्यू कहा जाता है, बिकॉज नरेटिव रिव्यू इज इट्सेल्फ अ रिसर्च क्वेश्चन ओके ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ओके दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. Which among the following is a secondary source of data? Now, इनमें से कौन सा secondary source of data है? So, whether it is archival data, whether it is participants diary, whether it is national sample survey, organization data, या फिर oral narratives. So, students, अभी तक हमने बहुत सारे research methodology के ऊपर questions देखे हैं, but द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में या फिर किसी भी रिसर्च प्रोसेस में दो प्रकार के सोर्सेस होते ही है डेटा के, वो होते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड द अनादर वन इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा. सो एज द नेम सजेस्ट प्राइमरी, सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा ये हमेशा यूजर या फिर रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है. ओके सो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इज द डेटा जो यूजर या फिर रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो फर्स्ट हैंड यूजर या फिर रिसर्चर कलेक्ट नहीं करता है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्राइमरी डेटा मेरे पास है एंड अगर वो प्राइमरी डेटा मैं किसी दूसरे पर्सन को दे रही हूँ फॉर हिज और हर रिसर्च देन That would be then the secondary data because वो data first hand user ने collect किया ही नहीं है. All of you getting? Because secondary data ये हमेशा second hand person या फिर उससे भी ज्यादा persons ने collect किया होता है. Okay, for example अगर आप internet पे कोई भी article पढ़ते हो then उस article में काफी सारे authors ने उनके inputs दिए हुए होते हैं, right? That's why it is called a secondary data. बिकॉज वो प्राइमरी डेटा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज प्राइमरी डेटा ये हमेशा फर्स्ट हैंड यूजर ही कलेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ वेयर द डेटा इज कलेक्टेड. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड सेकेंडरी डेटा ये हमेशा पास्ट डेटा होता है, दिस इज ऑलवेज पास्ट डेटा. एंड जो प्राइमरी डेटा होता है ये प्रेजेंट डेटा होता है बिकॉज दिस इज कलेक्टेड बाय फर्स्ट हैंड यूजर. दैट्स वाई नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डेटा इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बिकॉज ये डेटा गवर्नमेंट एजेंसी ने कलेक्ट किया होता है एंड ये बेसिकली पास्ट डेटा होता है, दिस इज नॉट अ प्रेजेंट डेटा. एंड यहाँ पे जो बाकी के सारे ऑप्शन है अर्काइवल डेटा, पार्टिसिपेंट्स डायरी, ओरल नरेटिव्स, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है, दीज आर नॉट सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा. ओके दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर इज 3. A good review of the research literature aims at. Now, what is the aim of good review of the research literature? So, whether it is subjective analysis of the content, या फिर providing information about the authors and their affiliations, या फिर generating research questions and validating those questions, या फिर conducts multiple task based screening. So, students. जो गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर होता है उसके काफी सारे एम्स होते हैं एंड उनमें से सबसे पहला एम होता है कि इंक्रीजिंग नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम. ओके इंक्रीजिंग नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी भी प्रकार का रिसर्च प्रॉब्लम है एंड अगर आपको उसके नॉलेज को इंक्रीज करना है देन फॉर दैट आप गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर करोगे एंड दिस इज द एम ऑफ इट. नाउ द सेकेंड एम इज आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स. अगर कोई भी रिसर्च गैप्स है देन उनको भी अगर आप आइडेंटिफाई करते हो देन दिस इज अगेन द एम ऑफ गुड रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर. रिसर्च गैप्स का मतलब होता है कि पिछले पास्ट स्टडीज में जितने भी सारे ऑथर्स है अगर उनमें से किसी ऑथर में से किसी भी प्रकार का रिसर्च में कुछ हिस्सा रह गया है क्या, या फिर कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको रिसर्च करना वो लोग भूल गए हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च गैप्स एंड दैट्स व्हाई रिसर्च गैप्स
हमें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज रिसर्च गैप से ही हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए. ओके, देन एज वेल इट बेसिकली रेजेस द रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग देम. देन रिसर्च क्वेश्चन को भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, एंड एज वेल रिसर्च क्वेश्चन को अगर आपको वैलिडेट करना है देन इसके लिए भी आप गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर करते हो. एज वेल यू कैन मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. देन यू ऑल्सो अवॉइड अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट प्रॉमिसिंग रिसर्च मेथोडोलॉजीज. जो प्रॉमिसिंग रिसर्च मेथोडोलॉजीज होती है उनको भी आप इसमें इवेल्युएट कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज आर द एम्स ऑफ गुड रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर. सो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, दिस इज द एम ऑफ गुड रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन. ओके, Which of the following is not a source of history on the basis of availability? Now, इनमें से कौन सा history का source नहीं है on the basis of availability? So, whether it is oral traditions, whether it is archaeological sources, या फिर witness accounts, या फिर literary sources. So, students, history के दो प्रकार के sources होते हैं. पहला होता है कि basis of availability, and the second one is basis of evidence. So basis of availability में काफी सारे then subtypes है, जैसे कि oral traditions, then archaeological sources, then literary sources. ओके, ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी. एंड जो बेसिस ऑफ एविडेंस होता है देन उसमें भी सब टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स. सो प्राइमरी सोर्स में देन विटनेस अकाउंट्स आते हैं, यानी कि आई विटनेस अकाउंट्स, एंड दैट्स वाई विटनेस अकाउंट्स ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, बट दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ evidence, not on the basis of availability. That's why here your correct answer should be 3, that is witness accounts. देखो, history को हम लोग study करते हैं, because history को study करने से हम past events को जान सकते हैं, and past events को जानने के बाद हम लोग past के जो effects होते हैं, उनको हम लोग present के लिए study कर सकते हैं, and as well हम लोग future के लिए भी study कर सकते हैं. सो बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर काफी सारे सोर्सेस होते हैं इस हिस्ट्री के, जैसे कि ओरल ट्रेडिशन. सो ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि ऑटोबायोग्राफीज. ओके, सो काफी सारे ऑटोबायोग्राफीज को भी स्टडी करके हम लोग हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कलेक्ट द डेटा. एज वेल काफी सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स. देन देर आर लॉट्स ऑफ लिटररी सोर्सेस. लिटररी सोर्सेस का मतलब होता है कि बुक्स, देन बायोग्राफी बुक्स, ऑल ऑफ दीज आर द लिटररी सोर्सेस, राइट? दीज आर बेसिकली द लिटरेचर. आप काफी सारे लिटरेचर को पढ़ के भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो. एंड बेसिस ऑफ एविडेंस के आधार पर अगेन दो सोर्सेस के टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी सोर्स. मैंने आप सभी को अभी बताया कि प्राइमरी सोर्स इज द सोर्स जो फर्स्ट हैंड यूजर कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट जमाने में कोई भी पर्सन था जो कि आई विटनेस था, देन आई विटनेस से अगर किसी भी पर्सन ने इंफॉर्मेशन ली है, देन दिस कुड कम अंडर प्राइमरी सोर्स. एंड सेकेंडरी सोर्स मैंने आप सभी को बताया, दिस इज द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय सेकेंड हैंड यूजर, जैसे कि जो डेटा आपको इंटरनेट पे मिलता है पास्ट के बारे में. सो दिस कम अंडर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, एंड दैट्स वाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी आर ओरल ट्रेडिशन, देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटररी सोर्सेस, एंड विटनेस अकाउंट्स आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. ओके, विच स्टेज इन द रिसर्च क्रिएट्स अ वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन. सो रिसर्च में इनमें से कौन सी स्टेज ऐसी है जो वर्किंग थीसिस को क्रिएट करती है, ताकि हम रिसर्च पेपर को बना सके
by specifying and organizing the category of information. So whether it is research design, whether it is developing a hypothesis, then review of the literature, then analysis of data. देखो research में काफी सारे stages होते हैं, जैसे कि शुरुआत तो identification of research problem से ही होती है, then after that आप रिलेवेंट लिटरेचर को देखते हो, देन आफ्टर दैट आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हो, देन उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, एंड बिफोर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, देन उसी डेटा को एनालाइज किया जाता है, एंड आफ्टर दैट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, देन उन रिजल्ट्स को इंटरप्रिट किया जाता है, देन कंक्लूजन मिलता है, एंड एज वेल यू डिस्कस द रिजल्ट्स. सो ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस इन रिसर्च. So let us see here, first of all the stages of research. Now, first is research design. So research design is the framework of your research. Okay, framework का मतलब होता है कि एक outline है जिसमें आप decide करते हो कि आपको कौन से data collection and data analysis methods को use करना है for your research process. Developing a hypothesis. So hypothesis में बेसिकली आप रिसर्च के रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करते हो, एंड हाइपोथेसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बिकॉज आप रिसर्च क्वेश्चन को अगर स्टडी करना चाहते हो, उसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हो, देन हाइपोथेसिस के जरिए ही आप रिसर्च क्वेश्चन को टेस्ट कर सकते हो. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडे सेशन. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में हम प्रीवियस लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, ओके, ताकि हम सभी लोग अभी का जो रिसर्च है उसको कर सके. सो जब भी हम लोग रिसर्च क्वेश्चन को बनाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, देन बेसिकली उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास पहले से ही एक थीसिस होता है, बट दिस थीसिस इज द प्राइमरी थीसिस, और यू कैन से ये बेसिकली यू नो एक वर्किंग थीसिस नहीं होता है. जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे ही आप वर्किंग थीसिस को फॉर्मुलेट करते हो. देखो वर्किंग थीसिस एंड जो हमारे पास प्राइमरी थीसिस होता है उसमें काफी डिफरेंस है. प्राइमरी थीसिस के आधार पर आप रिसर्च क्वेश्चन को टेस्ट नहीं कर सकते हो, बट बेस्ड अपॉन द वर्किंग थीसिस यू कैन टेस्ट योर रिसर्च क्वेश्चन, एंड एज वेल बेस्ड अपॉन द वर्किंग थीसिस आप रिसर्च पेपर को भी बना सकते हो, ओके, एंड दैट्स व्हाई इसी वर्किंग थीसिस को बनाने के लिए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आपको बहुत हेल्प करता है. बिकॉज जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर की मदद से हमें काफी सारे नॉलेज मिलता है ऑन द करंट रिसर्च टॉपिक, एज वेल हमें ये भी समझ में आता है कि आपको कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजीज यूज करने हैं, एज वेल यू कैन अंडरस्टैंड कि रिसर्च में कोई गैप है या नहीं. सो दीज आर द डिफरेंट केसेस कि आपको समझ में आता है. एज वेल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आपको हेल्प भी करता है ताकि आप रिसर्च क्वेश्चन को यू नो रेज कर सके, आप उसको वैलिडेट कर सके. दैट्स व्हाई अगर आपको वर्किंग थीसिस बनाना है फॉर योर रिसर्च पेपर, देन उसके लिए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर आपको बहुत हेल्प करता है, ओके. That's why here your correct answer is 3. And data analysis में data को collect किया जाता है, then data को modify किया जाता है, and as well data को interpret किया जाता है, okay. So जो data के साथ जो भी आप लोग करते हो ताकि data से आपको useful information मिल सके, so ये सारे procedures data analysis में आती है, okay. लिटरेचर इज नाउ लिटरेचर एग्जैक्टली क्या है. सो वेदर इट इज अ रिटन रिकॉर्ड, वेदर इट इज पब्लिश्ड रिकॉर्ड, वेदर इट इज अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, और ऑल ऑफ दिस. सो लिटरेचर ये सब है. लिटरेचर में रिटन रिकॉर्ड भी हो सकता है, इसमें पब्लिश्ड रिकॉर्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, एवरीथिंग. सो लिटरेचर बेसिकली क्या होता है, लिटरेचर का मतलब होता है कि जो पास्ट में जितने भी सारे ऑथर्स ने काम किया है रिसर्च टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आप अब भी काम करना चाहते हो, ओके, सो उसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इट इज कॉल्ड एज लिटरेचर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड इसका मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड रिटन भी हो सकता है, मतलब लिखा हुआ, वो रिकॉर्ड पब्लिश्ड भी हो सकता है, यानी कि किसी भी जर्नल में वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, या फिर वो अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का बुक या फिर इंटरनेट पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, देन दैट. सो ऑल ऑफ दीज आर द लिटरेचर्स, ओके. लिटरेचर रिव्यू इज नॉट सिमिलर टू,
नाउ लिटरेचर रिव्यू इनमें से किसके साथ सिमिलर नहीं है, सो वेदर इट इज एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी या फिर अब्स्ट्रैक्ट या फिर सर्वे या फिर ऑल ऑफ दिस. सो इनमें से किसी भी चीज के साथ लिटरेचर रिव्यू सिमिलर नहीं है, बिकॉज एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में काफी सारे यू कैन से कि रेफरेंसेस होते हैं जिनको आप लिस्ट करते हो, एज वेल यू कैन से कि इसमें काफी सारे यू नो बुक्स भी आप लिस्ट आउट करते हो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एनोटेटेड यू नो बिब्लियोग्राफी एंड दिस इज नॉट लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि प्रीवियस लिटरेचर को रिव्यू करना. ओके, सो एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में आप प्रीवियस लिटरेचर को रिव्यू नहीं कर रहे हो. ओके, यू आर ओनली लिस्टिंग द रेफरेंसेस जिनको आपने यूज किया है फॉर योर करंट रिसर्च. एज वेल इसमें काफी सारी बुक्स होते हैं जिसमें काफी सारे टॉपिक्स होते हैं विच आर रिलेवेंट टू द करंट रिसर्च टॉपिक. अब्स्ट्रैक्ट यानी कि समरी ऑफ योर होल रिसर्च प्रोसेस, एंड सर्वे इज द डेटा कलेक्शन मेथड. ओके, दैट्स व्हाई ही योर करेक्ट आंसर इज फॉर ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इनमें से किसी भी के साथ लिटरेचर रिव्यू सिमिलर नहीं है. ओके, लिटरेचर कलेक्टेड इज रिव्यूड एंड प्रिफरेबली अरेंज्ड. सो जिस लिटरेचर को आपने कलेक्ट किया है उसको रिव्यू किया जाता है एंड उसको प्रिफरेबली अरेंज किया जाता है. सो किस ऑर्डर के साथ आप उसको अरेंज करते हो, सो वेदर यू अरेंज देम अल्फाबेटिकली या फिर यू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली या फिर यू अरेंज देम रैंडमली या फिर नन ऑफ दीज. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो लिटरेचर आपने कलेक्ट किया है उसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है. क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि आपने जिस प्रकार लिटरेचर को कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड उसे अरेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी लिटरेचर को आपने 1 month पहले कलेक्ट किया है एंड उसको रिव्यू किया है, देन उसको आप सबसे पहले लिखोगे. एंड 1 month के बाद में जितने भी लिटरेचर्स आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप उसके बाद लिखोगे. सो क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज किया जाता है, ना कि अल्फाबेटिकली. अल्फाबेटिकली यानी कि अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब जैसे कि ए टू जेड. ओके, एंड रैंडमली तो किया ही नहीं जाता है. जैसे ही आप यू कैन से लिटरेचर को अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड कलेक्ट करते हो, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज अरेंज्ड. ओके, दैट्स व्हाई ही योर करेक्ट आंसर इज टू. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी. ओके,